ये है एक्सकवेटर का बकेट, ये है बकेट का एडाप्टर, और ये है बकेट का टीथ, और ये है टीथ का लॉक, बकेट का साइड कटर, इसको बोलता है बकेट का स्टेप कॉलर, और इसको बोलता है बकेट का पिन स्टॉपर, और मशीन का ये वाला पार्ट को बोलता है बूम, और इसको बोलता है स्टिक यानी आर्म। ये है हाइड्रोलिक सिलेंडर, और इसके अंदर जो मोटा रॉड रहता है उसको बोलता है पिस्टन। ये है सील किट, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर का अंदर रहता है, ये डैमेज होने से हाइड्रोलिक लीकेज होता है। इसको बोलता है बकेट का एच लिंक, और इसको बोलता है बकेट साइड लिंक, इसको कनेक्टिंग रॉड भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है पिन, और इसको बोला जाता है सिम, और इन दोनों को मशीन का बहुत जगह में यूज़ किया जाता है। ये है चेसिस, और इसको अंडर क्रेस फ्रेम भी बोला जाता है, और इसको बोला जाता है स्विंग बियरिंग। ये है आइडलर, और ये है ट्रैक एडजस्टर असेंबली, और ये है स्पॉकेट, और ये है ट्रैक मॉडल, इसको ट्रेवल मॉडल भी बोला जाता है, ट्रैक डिवाइस, ट्रेवल डिवाइस भी बोला जाता है। ये है ट्रैक शू, और ये है ट्रैक लिंक, ये है ट्रैक लिंक का बुश, और ये है ट्रैक पिन, इसको भी ट्रैक पिन बोला जाता है, लेकिन ये लॉक सिस्टम रहने के कारण इसको मास्टर पिन बोला जाता है। ये है ट्रैक रूलर, अगर ये ट्रैक का ऊपर में लगा हुआ रहता है तो इसको बोलेगा अपर ट्रैक रूलर, और अगर बॉटम में लगा हुआ रहता है तो इसको बॉटम ट्रैक रूलर या फिर लॉयर ट्रैक रूलर बोला जाता है। ये है इंजन, और ये है सेल्फ मोटर यानी स्टार्टर मोटर, जिससे कि इंजन को चालू किया जाता है। ये है इंजन का चैम्बर, और ये है डायनामो, जिससे बैटरी को चार्ज किया जाता है, और ये है बैटरी। ये है डायनामो पुली यानी अल्टरनेटर पुली, ये फैन बेल्ट का मदद से डायनामो को रोटेट करता है, और ये है फैन बेल्ट। ये है रेडिएटर फैन, और ये है रेडिएटर, और रेडिएटर के अंदर पानी के साथ जो लिक्विड डाला जाता है उसको बोलता है कूलेंट। रेडिएटर टू इंजन एंड इंजन टू रेडिएटर में पानी को फ्लो करने के लिए एक पंप को यूज़ किया जाता है, उस पंप को बोलता है वाटर पंप। ये है एयर इनटेक, इसके अंदर से एयर फिल्टर में घुसता है, और ये है एयर फिल्टर, इससे एयर क्लीन होके इंजन में जाता है। ये है टर्बो चार्जर, और ये है साइलेंसर, और ये है गेज, जिससे ऑयल का लेवल चेक किया जाता है। ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप, और ये है इंजेक्टर, ये सभी है ऑयल फिल्टर, और ये भी ऑयल फिल्टर है, लेकिन ये ऑयल से पानी को सेपरेट करता है, इसलिए इसको खास करके वाटर सेपरेटर बोलता है। ये है फ्यूल टैंक, और ये है फ्यूल टैंक का ढक्कन यानी कैप। ये है हाइड्रोलिक पंप, इसमें दो पंप लगा हुआ रहता है, और इसको बोलता है होस पाइप, ये सब होस पाइप। हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है, उसको बोलता है ब्रेदर फिल्टर, और इसको बोलता है बोनेट, जो कि इंजन का ऊपर रहता है। ये है हाइड्रोलिक ऑयल कूलर, और ये है स्विंग मोटर, और इसको स्विंग ड्राइव भी बोला जाता है, और अंदर जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको सेंटर जॉइंट बोला जाता है। ये है मशीन का केबिन, और ये है केबिन का डोर, और डोर का साइड साइड में एक रबर लगा हुआ है, इसको बोलता है बीडिंग। इसको बोलता है हाइड्रोलिक लॉक, ये इसको लॉक किया तो हाइड्रोलिक का फंक्शन पूरा बंद हो जाता है। और ये है मशीन का डिस्प्ले पैनल, और इसको बोलता है जॉयस्टिक, दोनों साइड में दो रहता है, और सामने दो रहता है, इसको बोलता है लीवर। और ये है मशीन का काउंटर वेट। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर इस तरह और वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।